The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, MRI scan. क्या होता है एक MRI और आपको क्या पता होना चाहिए MRI के बारे में? Very, very, very important टॉपिक. अगर कभी आपका कोई भी स्कैन हुआ है तो आप समझते होंगे कि भाई डॉक्टर्स कभी सीटी स्कैन ऑर्डर करते हैं, कभी एमआरआई स्कैन ऑर्डर करते हैं, कभी कभी एक्सरे ऑर्डर करते हैं. और एमआरआई में फिर आपको आपके सारे के सारे मैग्नेट्स, इवन वहां पर लोग अपना फ़ोन नहीं ले जा सकते, अपने ज्वेलरीज हटानी पड़ती है, कुछ मैग्नेटिक आयरन की चीज़ें हटानी पड़ती है, बेड्स हटाने पड़ते हैं, बेड्स अलग आते हैं. So why is that? Why is it a, उसमें क्योंकि खींच लिया जाता है. देखा होगा ना कई बार न्यूज़ में MRI में बेड खींच गया, MRI में कोई लोग चिपक गए किसी का, लोग डरते हैं स्टेंट तो नहीं निकल जाएगा, लोग डरते हैं पेसमेकर तो नहीं निकल जाएगा. सो यस, MRI में कंसर्न है. एंड व्हाट इज MRI? MRI क्या है? सी MRI में अपने अपने साइड इफेक्ट है. MRI, सिटी स्कैन, एक्सरे, इसके अपने अपने साइड इफेक्ट है. देखने से तो MRI डेंजरस लग रहा है, लेकिन नहीं, इतना कुछ डेंजरस नहीं है. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मेटल की चीज़ उसके पास ना जाए, बस. बाकी ऐसा सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है उसके. MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. उसका मतलब है कि हम आपके अंदर बॉडी पार्ट देख सकते हैं, उससे बीमारियां ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं. ये रेडिएशन के थ्रू है ही नहीं, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस है. मींस आपको एक मैग्नेटिक रूम में डाला जाता है, पूरा का पूरा रूम मैग्नेटिक है, और उस मैग्नेटिक रूम से और उस मशीन से एक रेजोनेंस क्रिएट होती है. आपके बॉडी के अंदर के हाइड्रोजन एटम्स लिटरली इतनी जोर जोर से शेक करते हैं कि उसकी एक इमेज बन जाती है, अगर उसको लेना पाए ले कंप्यूटर पे. सो MRI रेजोनेंस इमेजिंग है, रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस. इसमें कोई रेडिएशन नहीं है. तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो के सीटी स्कैन में, जो के एक्सरे में यूज होती है, वो MRI में नहीं है. सो व्हाट डज दैट मीन? MRI इज सेफ. कितनी भी बार, कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं MRI, पर शर्त है कि वो मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो उस रूम के अंदर कोई लोहा या ऐसी कोई खिंच जाने वाली चीज ना जाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो MRI रिक्वायर्स वेरी पावरफुल कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रैप, जिससे कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज और डेडिकेटेड इक्विपमेंट होता है उसके अंदर, राइट. MRI के दौरान आपको MRI स्कैनर में डाला जाता है, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल, जो प्रोटॉन्स होते हैं, नॉट हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स, बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर होते हैं, वो अप्लाई उस पर होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, और ये प्रोटॉन सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जो रिसीवर पिकअप करके स्कैनर पे इमेज बना देता है, राइट. और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है MRI. MRI बहुत सारे चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है. हर पार्ट के बॉडी के, बॉडी के हर पार्ट को देखा जा सकता है. आपके ब्रेन को, ब्रेन के अंदर देखा जा सकता है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूबरक्लोसिस है, कीड़ा है, ब्रेन के अंदर क्या इशू है, वो सब देखा जा सकता है. सीटी स्कैन में सिर्फ ब्रेन में ब्लीड दिखता है या फिर क्लॉट दिखता है, इसमें बहुत कुछ और डेप्थ में देखा जा सकता है. स्पाइन में देखा जा सकता है, MRI में जो डिस्क है. सीटी स्कैन में बोन्स दिखती है कि बोन्स सही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, एक दूसरे के ऊपर सही से अटैच नहीं है, ऊपर नीचे है, लेकिन इसमें हम लिटरली डिस्क देख सकते हैं, हर्निएटेड, कितनी हर्निएटेड है, कितना इम्पिंजमेंट है, कितनी नस दब रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जॉइंट्स देख सकते हैं, जॉइंट के अंदर के जो लिगामेंट्स हैं, जो टूट गए हैं, फट गए, वो फटा हुआ हिस्सा देख सकते हैं. सो लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट, कैप्सूल्स, कार्टिलेज, ये सब MRI में दिखता है. तो घुटने का, शोल्डर का, वेस्ट का, एंकल का, पेट का MRI, पेल्विक रीजन का MRI, ब्रेस्ट का MRI, ब्लड वेसल का MRI, हार्ट का, पूरी बॉडी का, कहीं भी MRI किया जा सकता है. क्या MRI सेफ है? देखिए, बहुत मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का MRI होता रहता है
हर साल, हर रोज, और ये एक्सट्रीमली सेफ है. एक्सट्रीमली सेफ मतलब आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नाम की चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है. सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको, जैसा हमने बताया कि कोई भी मैग्नेटिक चीज नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, इंक्लूडिंग अ लोहे का टूथ, वट एवर यू कॉल इट, राइट, समथिंग लाइक दैट. देन बिकॉज ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट, बेसिकली नॉट मैग्नेटिक, मेटेलिक, नोन एज फेरो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स. फेरो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये खिंच जाते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ MRI, और ये एक रिस्क हो जाता है पेशेंट पे, या जो भी उस फेरो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की रास्ते में आ गया उसके हिसाब से. इसीलिए बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है, ग्रेट केयर, कि आप वॉच है, कोई घड़ी है, ज्वेलरी है, कोई मेटल का थ्रेड है, कोई मेटल फास्टनर है, बेल्ट है, कुछ भी चीज़ आपको निकालनी पड़ती है, राइट. MRI फैसिलिटीज में ये प्रोसीजर होता है जिससे पता चले कि भी आप कोई मेटल वाली चीज तो नहीं अंदर लेके जा रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये याद रखिए कि इसके लिए प्रिपरेशन कुछ खास नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन अलग से अलग चीज. मान लीजिए आप, ऑब्वियसली आपका हियरिंग एड हो गया, आपके वॉलेट हो गया, पेन, पेंसिल, पेपर की कॉइन्स, मेटल की ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेलफोन, पर्स, वॉलेट, मंकी क्लिप, ये सारी चीज़ें बाहर रख के जानी होती है. कई बार शूज़, बेल, बकेट, सेफ्टी पिन्स, राइट, अलग रखनी पड़ती है. तो ये थोड़ा सा है. और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हेल्थ के आपका अगर आपके बॉडी में लगे तो आप MRI नहीं करवा सकते, जैसे कि पेसमेकर. कुछ पेसमेकर पुराने ज़माने के हैं, या अब तो आ गए हैं MRI कंपैटिबल पेसमेकर, बिल्कुल आ गए हैं. और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर आता है, ICD, या न्यूरो स्टिमुलेटर आता है, एन्यूरिज्मल क्लिप आती है, मेटल इम्प्लांट आते हैं कि बोन में, हड्डी में मेटल इम्प्लांट डाले हुए हैं, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है आंखों में, कोई वो क्या बोलते हैं वो पियर्सिंग है कोई, राइट, कोई बुलेट है, शार्पनल है, कोई बुलेट वूंड है, कोई कॉस्मेटिक है जो परमानेंट टैटू है, तब भी ऐसी चीज़ों को, क्योंकि उसमें भी कई बार आयरन होता है, वो भी थोड़ा खिंच के प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है. डेंचर्स, दांत है मैग्नेटिक जिसमें इशू हो सकता है, ऐसी चीज़ें, राइट. कई बार कुछ मैग्नेटिक दवाइयों का भी मेटल फॉइल होता है जो पैच में लगा होता है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का. अगर इतना ध्यान रखें तो कितनी बार भी करा सकते हो MRI, कोई मेजर इशू नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है लंबे समय में, रिमेंबर दैट. एंड बिफोर एंट्रिंग ये सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है. और MRI स्कैन हो जाने के बाद में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें लाइक आई सेड आपको कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है. अब इस MRI स्कैन का आप अलग से एक वो भी कर सकते हो, एक्सटेंशन बना सकते हो. एक्सटेंशन का क्या मतलब, MRI स्कैन में जो एक्सटेंशन है उससे ये मतलब है कि आपके एंजियोग्राफी की जा सकती है, MR एंजियोग्राफी, आपकी खून की नसों को देखना, मतलब डाई डाला जा सकता है, कंट्रास्ट स्टडी की जा सकती है MRI के द्वारा, और पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी ये MRI किया जा सकता है, तो कहीं पर भी एग्जैक्ट चीज़ें देखी जा सकती है कि भाई कहाँ क्या इशू है, क्या नहीं है. और नॉर्मल रिजल्ट आता है मतलब बिल्कुल नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर दिखेंगे, एबनॉर्मल रिजल्ट आता है तो बॉडी स्ट्रक्चर उल्टे सीधे दिखेंगे. कोई खास मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है, सिर्फ डाई अगर डालते हैं कभी तो डाई से एलर्जिक रिएक्शन जैसी चीज हो सकती है डाई के डालने से, और MRI स्कैन में खुद के उससे कोई साइड, CT स्कैन और एक्सरे से अगर कंपेयर करेंगे तो MRI आपके लिए सेफ है, क्योंकि CT स्कैन आप एक लेवल तक, एक लिमिट तक करवा सकते हैं. ऐसा नहीं कि CT स्कैन पे CT स्कैन, जितने ज़्यादा CT स्कैन उतना आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर होता है बॉडी में, और दैट इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर बॉडी. एंड अगर एक्सरे बोला जाए तो एक्सरे इज लाइक अ मिनी CT. CT स्कैन मतलब 100 एक्सरे एक साथ, ये बात समझ, 100 तो नहीं मतलब छोटे छोटे बहुत सारे एक्सरे आयनाइजिंग, एक्सरे से ज़्यादा डेंजरस होता है CT स्कैन. तो डेंजरस मीन्स रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन का आपको ट्रैक रखना पड़ता है CT स्कैन एक्सरे में, और बाकी कोई ऐसा टेंशन नहीं. सो MRI के बारे में ये नॉलेज, CT स्कैन के बारे में ये नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, पता होनी चाहिए. अगर कोई सवाल है भाई साहब तो कृपया अपना लिखिए और फिर हम बात करेंगे आपसे.
नेक्स्ट।